जानकारी के लिए एक दबाएं, प्रेस टू फॉर इंग्लिश। मराठी सेट हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार, सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? प्रियंका मैम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बोलिए। मैम जी मुझे PSL इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ बात करनी थी। जी सर, जानकारी दी जाएगी, उससे पहले क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी मैम, मेरा नाम US खान है, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। खान जी, क्या मैं ये जान सकती हूँ आपको आपकी रकम 10,000 से कम है या ज्यादा? नहीं मैम जी, मेरी रकम ज्यादा है। कोई भी खाता मेरा 10,000 या 20,000 का नहीं है, सब 1,00,000 से ऊपर के हैं। और 5,00,000 का अमाउंट है, 3 खाते हैं मेरे, 1 RD 2 FD। जी, क्षमा चाहते हैं सर, लेकिन अभी के रिगार्डिंग तो 10,000 से ज्यादा के लिए कोई जानकारी नहीं आई है। ओके सर, नेक्स्ट अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल होती है ज्यादा रकम के लिए, जैसे कि आपने बताया आपकी 1,00,000 से भी ज्यादा सबकी रकम है, उसके लिए अभी कोई अपडेट अवेलेबल नहीं हुआ है। इंतजार करिए, आगे चलकर कोई जानकारी आ सकेगी। नहीं मैम जी, कब तक इंतजार करें, आप खुद सोचिए। 2014 से हम लोग परेशान हैं और आज 2021 आ गया, और इसी बीच कोरोना महामारी का भी दूसरा साल चल गया। घर पे हम परेशान हैं, पैसे पैसे से परेशान हैं, रोजगार खत्म है, और इधर दुख बीमारियां लगी हुई हैं, और सरकार है कि ये पैसा देने का नाम नहीं कर रही। ऐसे कैसे चलेगा मैडम जी? जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है सर, लेकिन क्षमा करें, अभी हम भी अपनी तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। समय के विषय में भी कोई अपडेट अवेलेबल नहीं। मैम जी, हमें जानकारी मिली थी आपकी वेबसाइट से कि PSL के जो खाते सीज किए गए थे 2013-14 में, उन खातों का पैसा अब सेवी विभाग के अकाउंट में आ चुका है, यानी कि सेवी विभाग ने अपने अकाउंट में वो पैसा आज 6 या 7 साल के बाद डाल लिया। तो मैडम जी, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पीछे आपने रिफंड प्रोसीजर दिया था, उस रिफंड प्रोसीजर में RM लोढ़ा जी ने कुछ प्रॉपर्टी बेच के 12,00,000 निवेशकों को पैसा दिया, जबकि निवेशकों की संख्या 5,85,00,000 है। तो मैडम जी, मैं जान सकता हूँ क्या RM लोढ़ा जी को ये बैंक में जो पैसे पड़े थे, क्या पहले इनसे देना चाहिए था? जो प्रॉपर्टियाँ पड़ी हैं जिन्हें बेचने में टाइम लग रहा है, उस सर्कुलर को उठा के पैसा का पेमेंट करना शुरू किया इन्होंने। ये जो इनका इस वक्त RM लोढ़ा जी का और सेबी का जो मैटर है, इन दोनों का अलग अलग काम है। RM लोढ़ा जी का है बेचने का, और सेबी भाग के निवेशकों के वेरीफाई जो है उनका पैसा पहुंचाना। अब मैडम जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 6 साल तक जो आपका PSL का पैसे के जो 600 से ज्यादा अकाउंट सीज किए गए थे, उनमें करोड़ों रुपया 5-6 साल तक पड़ा रहा, उस पर ब्याज भी चढ़ता रहा होगा। तो मैडम जी, 49,700 करोड़ रुपया निवेशकों का देना है, और अभी तक सेबी ने ये क्लियर नहीं किया कि विद ब्याज देगी, और जो गैप सेबी विभाग ने अपने देनदारी में किया उसका भी क्या हमें इंटरेस्ट देगी? मिसाल के तौर पे मेरे 5,00,000 रुपए है, उसके 10,00,000 रुपए अब हो जाने चाहिए, क्योंकि 6 साल का गैप सेबी विभाग ने किया, ना कि मैंने। और हम जानते हैं कि सेबी विभाग की के पास PSL की प्रॉपर्टी देनदारी से 4 गुना ज्यादा है। मैम आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी दिक्कत सब बात भी समझ रही हूँ जी, लेकिन क्षमा करें, जब तक हमारे पास भी कोई भी विषय में जानकारी नहीं आती है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। मैं आपकी बात काट के मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ, माफ करना मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आपके पास लिमिटेड जानकारी दी जाती है, और उतनी जानकारी आप हम लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं, ये तो बात जानना सही है। लेकिन मैडम जी, हम आप अपनी शिकायत आपसे करेंगे, आप हमारी बात को आगे पहुंचाएंगी, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि RM लोढ़ा जी को पहले बैंक जो सीज किए थे उनके खाते, उनसे पैसा उठा के देना चाहिए था, और अंदर ये सब अपनी जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है वो बेचते रहते, पर ऐसा नहीं किया। RM लोढ़ा जी ने एक समर रचाया, और वो समर ये रचाया कि उन्होंने निवेशकों को कहा कि हम सेबी ये जो PSL के पैसे की देनदारी है, इसको इसके लिए जो है प्रपोजल दे रहा है कोई भी कंपनी आप लोगों को पैसा देने के लिए, अगर हाँ करती है तो हम आपका पैसा देंगे। तो
उसमें आपको आपके पास 12 प्रपोजल आए, यानी कि आरएम लोढ़ा जी के पास 12 प्रपोजल आए, उसमें एक प्रपोजल पीएसएल इंडिया लिमिटेड का भी था। पीएसएल इंडिया लिमिटेड ने यह कहा था कंपनी ने कि हमारे 27,000 करोड़ रुपए की देनदारी है और हम ये आप हम इतने टाइम में दे देंगे, एक निर्धारित समय आरएम लोढ़ा जी को बताया। लेकिन आरएम लोढ़ा जी की नियत सही नहीं थी, उन्होंने 12 प्रपोजल तो कैंसिल किया, उसके साथ पीएसएल का भी प्रपोजल कैंसिल कर दिया। अगर आरएम लोढ़ा जी चाहते तो निवेशकों का पैसा पीएसएल कंपनी से दिला सकते थे, क्योंकि पीएसएल कंपनी ने खुद अपना प्रपोजल दिया था। तो मैडम जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि आरएम लोढ़ा जी की अध्यक्षता में जो टीम बनी है, उस टीम ने जो इस वक्त हम लोगों को खून का आंसू रुला रखे हैं, वो खून का आंसू किस लिए रुला रखे, हमारी गलती क्या है? अरे कंपनी को लाइसेंस आपने दिया, 1982 से कंपनी चलती रही और आज आप 30-35 साल के बाद आप कह रहे हैं कि ये अवैध तरीके से धर्म एकत्रित किया गया, और आपने पूरी कंपनी से TDS भी वसूल करते रहे, उससे टैक्स भी वसूल करते रहे, यहाँ तक कि जो गरीब एजेंट से उन एजेंटों का जो छोटी मोटी कमाई वो कमीशन पर करते थे, उनकी कमीशन से भी TDS सरकार काटती रही, और आज आप लोग कहते हैं कि अवैध तरीके से धन वसूली करी जा रही है। तो मैडम जी, आप सेवी विभाग ने इसको लाइसेंस दिया या जिस विभाग ने भी लाइसेंस दिया, सेवी विभाग ने तो यह कहा था कि अगर बाय द वे कंपनी मतलब लॉस में आ जाए या भाग जाए तो सेवी विभाग की देनदारी बनती थी वो तिहाई पैसे देने की। न कंपनी भागी, न कंपनी लॉस में आई, कंपनी तो बराबर अपनी तरक्की पे थी, और कितने अवार्ड इस कंपनी को मिले। राजनाथ सिंह जी ने इसके P7 चैनल का खुद उद्घाटन किया, और वो जो क्या बोलते हैं गृह मंत्री जी थे, उनका क्या नाम था? तो वो द्वारा कोई भी नई अपडेट नहीं आती है, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे सर। मैडम जी, जानकारी तो हमें आप नहीं दे पाएंगे तो हमें मालूम है, लेकिन आप समझिए तो हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि हम लोगों के साथ जो ये सरकार या ये सेवी विभाग या आरएम लोढ़ा जी ये हमारे साथ किस तरीके से पैसे देने के प्रोसीजर को चला रहे हैं, इनके पास तो पंच निवेशकों का डेटा भी नहीं है। हम लोगों से ही कह रहे हैं कि आप लोग अपलोड करिए ये पर्ची या ये और वो। अरे तो हमारे तो खाली UT नंबर से ही पैसे पता चल जाते। ठीक है मैडम जी, ओके, फिर कभी बात।